कैसे पिशावर वालों, आप जितने मर्जी रन बनाती जाओ, कभी तुमको भैया वो लगाती मांजा। जैसन रोए रात भैया हमने रिली रोशन ने तुम्हारे को इससे रेल चढ़ाया, तुम्हारा नानी का नानी याद आया। वाह रिली रोशन, तुम क्या बैटिंग करती, 41 गेंदों पर शतक ठोक डालती यार, हमारा 44 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ डालती। चलो कोई बात नहीं, पहले भी 43 गेंदों पर रिकॉर्ड तुम्हारे नाम था, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड तुम तोड़ती और हमारा भी तोड़ती ताजा था। जैसन रोए भैया तुम छोड़ो ऐसी बातों को, तुम बढ़िया खेलो बस, आज हमको मुल्तान सुल्तान वालों को तेल लगाना, उसके बाद पिशावर वाले इस्लामाबाद से हार जाएं, फिर देखते हैं हमको कौन रोकता है इस साल का टाइटल जीतने से। अबे चुप करो सरफराज मियां, अपनी बातें लेके बैठ गए, पहले हमारा तो शुक्रिया अदा कर लो, लेकिन तुम काय को करोगे भैया, तुमको फायदा भी होने वाला नहीं, हमने पिशावर वालों को नहीं छोड़ा, तुमको छोड़ेंगे देखना, आज तुम्हारा भी गेम आउट करता हम। छोड़ यार करण पोलट, ये लोग बच्चे हैं, ये कहाँ जीत पाएंगे, हमारे सामने तो बड़े बड़े नहीं टिके, ये किस खेत की मूली है। बाबर भैया तुमको कैसे तेल लगाया, आपको क्या लगा हम दोनों आउट हो गए तो तुम लोग जीत जाओगे क्या? देखो रजवान मियां, बड़े बड़े रिकॉर्ड तो आपने ठोक डाले, लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आज का मैच तू हारा ना इन कोटिया वालों से, तेरे को हम बहुत मारेंगे, हमको तो भैया तेल लगा दिया, अब इनसे भी मैच जीतना है, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। बाबर भैया हमारे पीछे क्यों पड़े, हमारे कंधे पर बंदूक रख के क्यों चला रहे हो, ससुरी वाले अपना मैच आखिरी इस्लामाबाद से जीतो, तुमको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, अपना मैच जीत नहीं सकते, खामखा हमारे को बोल रहे हो। तो रजवान भैया हम क्या करें, हम क्या बुरा खेलते, कम स्कोर बनाते, इतना स्कोर बनाते, लेकिन हमारा किस्मत साला फिर भी हमारा साथ नहीं देता, हम फिर भी हार जाते। कल देखो हमने गेंदबाजी भी किया, एक आधा विकेट भी लिया, लेकिन फिर भी नहीं जीत सके। सैम अय्यूब और बाबर आजम पेशावर वालों कान खोल के सुन लो, आखिरी मैच तुमको जीतना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है, ये तो आज शाम को पता चल जाएगा, हम तो भैया इनको नहीं जीतने देंगे मुल्तान सुल्तान वालों को। सरफराज मियां बस करो, तुम जीत लो, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, मुल्तान सुल्तान वालों बेशक हार जाओ, हम अंतिम मैच में ना इस्लामाबाद वालों को ऐसे बजाएंगे 300-400 का टारगेट देंगे, फिर देखते हैं कैसे जीतता है वो। अबे बसकर मोहम्मद आरस के बच्चे, लगातार 3-3 छक्के लगाने से कुछ नहीं होता, अंतिम में रहकर मैच जिताना पड़ता है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, कल तुम्हारा मैच है 2 बजे दिन को इस्लामाबाद के साथ, पता चल जाएगा कल शाम तक। रुआई बुरादर तुम खामखा नहीं उछलती, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम अकेला क्या कर लेता, इधर भैया करण पोलट होता, मैं भी होता, और आज तो भैया रजवान का भी बल्ला चलता, तुमको आज ऐसा ठोकेंगे तुम मुंह लटका के बाहर जाता। रिली रसो भैया चुप करके बैठो, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है, अब हमको क्वालिफाई कर लेने दो, तुम बस देखते जाओ तुमको कैसे हम बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन हमको रोकता है, समझ गए ना? सरफराज भैया खामखा इतना मत उछलो, तुम्हारी दौड़ हमारे हाथ में है, तुम जितने मर्जी रनों से आज जीत लो, कल हम इस्लामाबाद वालों से जीत गए ना तुम्हारा पत्ता साफ, तुम सब्र करो, तुम्हारा पत्ता हम ही साफ करेंगे कल शाम तक, फिर तुमको पता चलेगा। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।